तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वी लुकअप के बारे में। जी हाँ, वी लुकअप इट मींस वर्टिकल लुकअप। किसी डेटा को किस तरह से आप वर्टिकली लुकअप कर सकते हैं, आज का सेशन में आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, डेटा में एक आपके सामने एक आईडी दिख रहा है जिसको हम लोग यूनिक आईडी कह सकते हैं कि हमारा यूनिक आईडी है और मुझे इसको जो है डेटा को लुकअप करना। ओके, तो कैसे लुकअप करना है? देखिए, मेरे पास आपके सामने एक डेटा शीट आया हुआ है, मुझे इसके इन आईडी के बिहाफ पे इंफॉर्मेशन निकालनी है। अगर इंफॉर्मेशन वी लुकअप से ना निकालू तो मुझे क्या करना होगा कि मैनुअली जाके यहाँ पे फाइंड करना, मैनुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना। और मैं मैनुअली फाइंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि मेरे पास इस तरह के आईडी आते रहते हैं। तो मैं यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला वी लुकअप का और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में किस आईडी को ढूंढना है उसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए, डेटा में जाइए और डेटा में आने के बाद आपको देखिए कि इसमें मुझे कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है। लेकिन ध्यान रखिए, सिलेक्शन आपकी आईडी से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि पहली कॉलम में ही आपकी आईडी को मैच करेगा। उसके बाद अब इसमें क्या हुआ कि हमने 5-6 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, लेकिन एक बार में कोई एक ही कॉलम आपको शो करेगा, वन कॉलम वन टाइम वन फॉर्मूला। तो यहाँ मुझे बताना है डेट, तो मैंने यहाँ पे कॉमा टू, टू इसलिए किया क्योंकि ए और बी वन एंड टू है, इसे नंबर में हमने टू लिखा एंड कॉमा। यहाँ पे हम फॉल्स लिख सकते हैं, हालांकि फॉल्स की जगह पे हम लोग जीरो लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेल में वन इक्वल टू ट्रू एंड जीरो इक्वल टू फॉल्स होता है। एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने देखिए जनवरी 11 जनवरी का डेट आ गया। फिर मुझे ऑर्डर वैल्यू चाहिए, तो मैं वापस वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा, अपने डेटा को सेलेक्ट करूंगा और कॉमा, यहाँ हो जाएगा वन एंड टू, ये आपका आ गया थ्री, थ्री कॉमा जीरो, एंटर प्रेस करूंगा तो ऑर्डर वैल्यू आ जाएगी। तो वापस मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा और फिर पूरी डेटा को सेलेक्ट करूंगा। पूरी डेटा को सेलेक्ट किया कॉमा, यहाँ पे वन टू थ्री, ये रहा आपका फोर, यहाँ पे कॉमा जीरो, एंटर प्रेस किया, फोर आ गया। फिर वापस मैं वी लुकअप लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, डेटा में जाऊंगा और फिर डेटा को सेलेक्ट करूंगा। तो हर कॉलम के लिए आपको एक एक करना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर फाइव। तो सर ये तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए, ड्रैग करने से पहले आप जो है थोड़ा सा फ्रीज कर लीजिए, ए को फ्रीज किए ताकि ड्रैग करने पे बी ना बन जाए, और फिर अपने इस रेंज को फ्रीज कर लीजिए, फिर यहां से सिलेक्ट करके इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे। पर सब में सेम आ रहा, 4 1 4 5 3 4 5 3 4 5 3। तो यहां पे आते हैं, यहाँ पे 5 की जगह पे 6, यहाँ भी यहाँ पे 7, इस तरह से नंबर हम चेंज कर देंगे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 9 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 12 और यहाँ पे 30, इस तरह से हमने किया। पर प्रॉब्लम है कि इस तरह से करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जो भी कॉलम नंबर है हमने ऊपर यहां देख रहे हैं हमने डाल दिया, ऊपर डाल दिया। अब यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप, वी लुकअप, और हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, फिर यहाँ डेटा में, डेटा में जाने के बाद डेटा को सेलेक्ट किया। अब जो कॉलम नंबर हम मैनुअली लिखते थे उसके जगह पे हम वी लुकअप वाले शीट पे आते हैं, जो कॉलम B2 है जहाँ पे 2 हमने मैनुअली टाइप करके छोड़ा है, उसको सेलेक्ट करके कॉमा जीरो करके एंटर प्रेस कर देते हैं। रिजल्ट देखिए 8 जैन आ गया। अब मुझे इसको आगे ड्रैग करना है, इससे पहले हम डॉलर का साइन यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे ए से एम कर देते हैं
अब बी वन का हम वन फ्रीज कर देते हैं, अब इसको इजीली ड्रैग कर सकते हैं। लास्ट क्लास से मैंने आपको कॉलम का फॉर्मूला बताया, कॉलम फॉर्मूला जिस जिस कॉलम में आप सेलेक्ट करते हैं एंटर मारते हैं उस कॉलम का कॉलम नंबर यहां शो करता है, जैसे कि यहां पे देखिए टू शो किया। ठीक है, तो क्यों ना वीलुकअप में इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहां भी तो हमने टू ही डाला है ना, देख सकते हैं। तो यहां हम वीलुकअप लगाते समय कॉलम नंबर की जगह पे हम यूज कर लेंगे टू को, तो डेटा को सिलेक्ट किए, यहां जो हम मैनुअली टू लिखेंगे उससे अच्छा है कि मैं यहां पे कॉलन लिखूं और कॉलन में इसको सिलेक्ट कर एंड कॉमा जीरो और एंटर कर दिया, सॉरी कॉलम क्लोज नहीं किया, एंटर प्रेस कर, डेट आ गया। अब मुझे इसको आगे ड्रैग करना है, तो हम ए को फ्रीज करेंगे ताकि बी ना बन जाए, ए से एम को फ्रीज किया, और इसको फ्रीज किया। लेकिन इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका डेटा एक सीक्वेंस में है और यहां भी एक सीक्वेंस में है तो आप वी लुकअप के साथ एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां हम बी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे कॉमा, यहां कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में हम टू कॉमा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 11, 12, 13 एंड यहाँ पे कॉमा जीरो और एंटर प्रेस कर, देखिए एक ही बार में। लेकिन अगर आप लोगों के पास पुराना एक्सेल है, 2007 का एक्सेल है, तो ये मेथड थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले आपको एरिया सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको लगाना है वीलो का, वीलो का में आप सेलेक्ट कीजिए कॉमा, डेटा में जाइए, डेटा को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आप, तो फॉर्मूला वही है, थोड़ा सा लगाने का तरीका चेंज हो गया, तो आपको सेलेक्ट करके लगाना होगा और नॉर्मल एंटर नहीं मारना होगा, हमने नॉर्मल एंटर मार दिया था, यहाँ नॉर्मल एंटर नहीं, यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बट एरे आया, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे 4 5 के बीच में हमने कॉमा छोड़ दिया, अब कंट्रोल से एंटर। अब इसे एक और खासियत है कि किसी एक को डिलीट नहीं कर सकते ना, किसी एक को चेंज करते होगा सब चेंज। तो अनिल जी एंड विवेक जी, समझ में आया आपको? हाँ या जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। सर अब यहाँ पे बात आती है एक्स लुकअप को, अब देखिए जिस जिस सीक्वेंस में ए है तो आप इस तरह का एरे ना करके एक्स लुकअप लगा लीजिए, एक्स लुकअप लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पे पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट करना होता, लुकअप एरे मतलब कि जो आईडी है सिर्फ उस आईडी को कॉलम सिलेक्ट करें। फिर आता है रिजल्ट रिटर्न एरे, जो रिटर्न करना है कॉलम से कि डेट, हम सिर्फ डेट को सिलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें मैं आगे ड्रैग करूंगा तो ए और जो रिजल्ट एरे आपका लुकअप एरे है उसको हम कर देंगे, रिजल्ट एरे को छोड़ देंगे ताकि वो अपने आप इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिक ए बी सी डी का आ जाए इस तरह से। ओके, एच लुकअप इस तरह से लगाता है। अभी एच लुकअप आगे आगे भी बताऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक फिक्स हेडिंग है, इसलिए हमने इस तरह के वी लुकअप वगैरह इस्तेमाल कर लिया। बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये आईडी, ये जो डिटेल चेंज होते रहता है, अभी कस्टमर क्वांटिटी सेल्ड जोन है, कल के डेट में जो है ना जोन के जगह पे रीजन हो जाएगा, कस्टमर के जगह पे डेट हो जाएगा, ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लुकअप इस कॉलम के हेडिंग के अकॉर्डिंग चले। तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है जो तो किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो एंड कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, उसमें मैच करता है। और रिजल्ट यहाँ देखिए आपके सामने 12 है, मतलब इसने बताया कि कस्टमर का कॉलम नंबर 12 है, जो कि हम वी लुकअप में मैनुअली गिन के डाले। सो हम वी लुकअप लगाते समय क्यों नहीं इस मैच का यूज कर ले। तो यहाँ हमने लगाया वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेट में गए, डेटा को सेलेक्ट किया, सॉरी डेटा में गए और यहाँ पे अपना मैच का फॉर्मूला लगा दिया। मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप लगा सकते हैं। कॉमा 0, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आपके सामने एनए आया, सॉरी माफ कीजिएगा, एनए आने के पीछे रीजन था क्योंकि वो 500 का डेटा नहीं था। अब मुझे आगे ड्रैग करना है तो एक को फिल्टर करना होगा, फ्रीज करना होगा, F4 को फ्रीज करना होगा, B13 को फ्रीज करना होगा और AM से AM को फ्रीज करना होगा। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ नंबर अगर 500 दे दिए तो एरर आएगा। मैं चाहता हूँ एरर के जगह पे कुछ और देखे, सिर्फ ब्लैंक देखे। तो आपको इस पूरे फॉर्मूला को इफ एरर के अंदर डालना होगा, किसके अंदर, इफ एरर। और यहां पे हमने सेलेक्ट किया कॉमा 0, 0 नहीं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। अब इसको आसानी से ट्रैक कर लीजिए। तो अगर फिगर है तो डेटा, अगर डेटा है तो डेटा आएगा, अगर डेटा नहीं है तो ब्लैंक आएगा। ये हमारा इफ एरर फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो वी लुकअप और वी लुकअप के अंदर मैच का यूज आप लोग समझ गए हो। अब बात करते हैं हम एच लुकअप के बारे में। जी हाँ, एच लुकअप, जैसे मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, क्या है, वर्टिकल है, मतलब जो डेटा मेरा टॉप टू बॉटम में था उसके जगह पे वो लेफ्ट टू राइट। अब मान लीजिए मुझे इसका जोन निकालना है, क्या निकालना है, जोन निकालना है, तो वी लुकअप तो नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वी लुकअप तो इसमें खोजेगा। तो यहां हम लगाते हैं एच लुकअप, क्या लगाते हैं, एच लुकअप, और यहां लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा, मुझे जोन 7वें नंबर रो पे है तो 7,0, एंटर प्रेस किया, ये देखिए आपका नॉर्थ आ गया, सॉरी नॉर्थ तो में आ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम एच लुकअप के जगह पे हम इसको एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स लुकअप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। कैसे, यहां हमने नंबर सेलेक्ट किया कॉमा, लुकअप एरे, हमने लुकअप एरे का पूरा जो आईडी नंबर था उसको सेलेक्ट कर लिया, और मुझे चाहिए रिटर्न एरे, मतलब कि मुझे चाहिए जोन, तो जोन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए आपका एक्स लुकअप भी इसी तरह से वर्क कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और चीजों के बारे में जो एक्स लुकअप जिसपे सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए अभी तक जो डेटा था वी लुकअप में, वी लुकअप के लिए, तो मेरा डेटा सबसे स्टार्टिंग में था, मेरा डेटा सबसे स्टार्टिंग में था। अब मैं क्या है, डेटा स्टार्टिंग में नहीं है मेरा, जो ये इस वाले शीट पे देखेंगे तो डेटा स्टार्टिंग में ना होके बीच में,
तो वी लुकअप अगर लगाता हूं तो अगर मैं डेट से सिलेक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि वी लुकअप कहता है कि आप लेफ्ट मोस्ट कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, मतलब कि जो आईडी ढूंढना है आपको सिलेक्शन उसी आईडी से करना है। तो जाहिर सी बात है कि इधर की जो ऑर्डर वैल्यू है, सेल्स है या कुछ और है, इस डी कॉलम से पहले का डेटा लुकअप नहीं करेगा, तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास अगर पुराना वर्जन है तो हम लोग इसके लिए मैच और इंडेक्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला मैच का। मैच में हमने लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट किया कॉमा, और सेलेक्ट किया अपना डेटा एंड कॉमा 0। ये मुझे दे देता है कि भाई 109 का रो नंबर क्या है। रो काउंट नंबर यहाँ से काउंट कर लेता है और रो काउंट नंबर देता है कि 11 है, 11 आ। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का। इंडेक्स में हम पूरी की पूरी डेटा को सिलेक्ट करते हैं। पूरी डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है रो नंबर। रो नंबर जो कि अगर मान लीजिए रो नंबर मैंने दे दिया 4 और कॉलम नंबर दे दिया मैं 3, तो आप देखेंगे कि ये आपका 20 आ गया। मतलब ये देखिए यहाँ से चला 1 2 3 4, 1 2 3, और यहाँ पे 20.99 आपको दे दिया। लेकिन यहाँ जो 4 हमने मैनुअल सेलेक्ट किया है, क्यों ना इसकी जगह इस मैच फॉर्मूले को डाल दिया जाए, तो एक वी लुकअप की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। देखिए मैं यहाँ पे डालूंगा 108, 108 की वैल्यू आएगी, 107, 107 की वैल्यू आएगी। बस मैच इंडेक्स में हमें पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि डेट में डेटा इधर बढ़ता है तो प्रॉब्लम होगी, डेटा दोबारा से रीसेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास सेम फॉर्मूला ऑफसेट का है। ऑफसेट फॉर्मूला भी सेम करता है। हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया, और हमने बोला रो, हमने बोला कि इसकी जो रो नंबर है 3 और या 8 और कॉलम नंबर 2। अब हमने यहाँ पे एक कम क्यों दे रहे हैं, हमें तो 3 देना चाहिए था, 2 क्यों दे रहे हैं? देखिए रो एंड कॉलम यहाँ एक ही कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑफसेट की काउंटिंग 0 से चलती है। ये क्या किया, यहाँ से काउंट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि आपका जो इंडेक्स का जो 9 है वो तो मैच के लिए 8 है, और फिर 0 1 2, और जो 3 कॉलन है वो 2 है। और ऑफसेट के अंदर भी हम मैच का इस्तेमाल कर ले तो हम वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते। तो इस तरह से आपके पास आ गया इंडेक्स मैच और आपके पास आ गया ऑफसेट एंड मैच। लेकिन आपके पास लेटेक्स एक्सेल है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करें एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू रिटर्न एरिया, लुकअप वैल्यू एंड रिटर्न वैल्यू, जैसे कि ऑर्डर वैल्यू है या जो करना चाहते हो कर सकते हैं। एंटर प्रेस करें। अच्छा एक कम था, ये देखिए दिक्कत हो गया ना, 12 तक था, दोनों एक जैसा होना चाहिए, ये आपके सामने 42 आ गया। तो मैच इंडेक्स और एक्स लुकअप समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? नो सर। चलिए अब इसके कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ट्रिक्स कि अगर मेरे पास डेटा है राइट, और मुझे यहाँ पे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करना है कि पूजा और नोएडा दोनों का टोटल यहाँ आना चाहिए। पूजा, देखिए पूजा यहाँ पुणे में भी है और पूजा यहाँ नोएडा में भी है, तो मुझे दूसरा वाला पूजा का नोएडा चाहिए। तो वी लुकअप कभी भी दो कंडीशंस को मैच नहीं करता है। तो क्या करें, तो उसका तरीका है कि इन दिनों को आपस में हम कॉन्केट कर देते हैं डैश लगा। डैश लगाना जरूरी नहीं है बट हम लगा देते हैं सेपरेशन के लिए ताकि समझ में। यहाँ देखिए पूजा डैश पुणे और नीचे पूजा डैश नोएडा आ गया। तो यहाँ जब वी लुकअप लगाएंगे तो यहाँ भी सेम करेंगे, पूजा के साथ एन परसेंट डैश लगा के अगेन एन परसेंट हमने नोएडा ले लिया एंड कॉमा डेटा को सेलेक्ट करके हमने बोला 4.0। लेकिन क्या डेटा में बिना ऐड किए हुए हो सकता है, क्योंकि कभी कभी डेटा में ऐड करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो चलिए हम एक्स लुकअप फॉर्मूला के जरिए करके देखते हैं। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। फिर आता है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे में भी इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट, इसको सेलेक्ट किया
और रिटर्न में हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट करके एंटर मारा, 65 हो रहा है। तो एक वी लुकअप के जरिए नहीं होगा, वी लुकअप के जरिए नहीं होगा, लेकिन आप जो है एक्स लुकअप के जरिए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर, बिना डेटा ने ऐड किया। अगर दूसरे टेक्स की बात करूं तो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि मुझे नेम वाइज और मुझे यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है, पर प्रॉब्लम है कि नेम है मेरा सुजीत और डेटा में है सुजीत कुमार फुल नेम है, तो क्या ऐसा होगा? तो वी लुकअप लगाते हैं एंड यहाँ पे कॉमा और डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा 3,0 एनए। लेकिन अगर मैं नेम के आगे पीछे अगर लगा देता हूं स्टार तब लुकअप हो, उसको बोला जाता है कंटेन, कि सुजीत किसी के साथ हो, सुजीत कुमार हो, कुमार सुजीत हो, सुजीत कुमार सिंह हो या कुमार सुजीत हो, सबको लुकअप करें। तो यहाँ पे कुछ तरीके हैं कि मैंने यहाँ पे सुजीत और ए स्टार दे दिया, ये आता है एंड बी सुजीत, सुजीत के आगे कुछ भी होना चाहिए, लास्ट में सुजीत होना चाहिए, लेकिन मैंने सुजीत दे दिया और स्टार लगा दिया, तो ये कहलाता है एंड विथ स्टार्ट विथ सुजीत, मतलब डेटा का पहला वर्ड सुजीत होना चाहिए और दूसरा नहीं। जैसे ये देखिए ना, सुजीत कुमार में एल एन आएगा, क्यों? क्योंकि सुजीत कुमार है पर सुजीत स्टार्ट में नहीं है, एंड में नहीं है, क्योंकि एंड विथ हुआ ना, स्टार पहले लगा हुआ है, लेकिन इसमें लुकअप कर लेगा क्योंकि शुरू सुजीत जो है स्टार्ट में। अली बकौब में आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पूजा कई बार रिपीटेड है या ओम कई बार रिपीटेड है, मुझे इस तरह से सारे फिगर कॉमा के साथ चाहिए, तो इसके लिए वी लुकअप का यूज नहीं होगा, इसके लिए होगा फॉर्मूला टेक्स्ट ज्वाइन का। तो टेक्स्ट ज्वाइन हमने यहाँ पे डिलिमिटेड और यहाँ पे बोला कि ब्लैंक करो, इग्नोर करो ब्लैंक, इफ कंडीशन को बोला कि पहले तुम चेक करो कॉलन ए में कि कॉलन ए के नेम क्या बराबर है ओम के, अगर ऐसा होता है तो कॉलम सी की डेटा तो अदरवाइज ब्लैंक दो, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। ये फॉर्मूला कैसे चला एक बार देख लीजिए, एवलेट फॉर्मूला, तो इफ ने सर से मैच किया, जहां जहां मैच हुआ वहां ट्रू आ गया, जहां जहां ट्रू है वहां वहां पे नंबर और जहां जहां पे फॉल्स है वहां वहां पे ब्लैंक, और हमने ट्रू को बोला दिया, ट्रू दिया हुआ है टेक्स्ट ज्वाइन को, क्यों? इग्नोर द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक को इग्नोर करने के लिए, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया, मैं क्लोज किया। ओके अब यहां एक चीज तो समझ में आ गई, दूसरा आता है कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इस तरह से नहीं, ओम उदयपुर इतना आया टेबल फॉर्मेट में, तो उसके लिए वी लुकअप नहीं, उसके लिए हमारे पास फिल्टर का फॉर्मूला, फिल्टर फिल्टर हमने सेलेक्ट किया और फिल्टर में डेटा को सेलेक्ट किया और फिर वापस हमने यहाँ पे लगाया इंक्लूड, तो इंक्लूड में हमने बोला कि यहाँ इसको सेलेक्ट किया कॉमा, बोला कि क्या ए बराबर है ओम के, अगर ऐसा है तो डेटा पूरा दे, देखिए आगे ओम का डेटा हमने सिर्फ यहाँ पे दिया। आप चाहते कि शॉर्टेड आए, कि शॉर्ट फॉर्म में आए, तो आप फिल्टर को शॉर्ट फॉर्मूला के अंदर डाल दें शॉर्ट, और यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स जो होगा 3 के अकॉर्डिंग होगा और शॉर्ट ऑर्डर तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा कॉलम और शॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग होगा। अब देखिए शॉर्टेड आ गया, इस तरह से मल्टीपल डेटा को कर सकते हैं लुकअप। अब इसमें अगला आती है, लास्ट जो एग्जाम्पल हमारा है लुकअप का वो है कि मेरे पास दो तरह के डेटा है, दो अलग शीट पे डेटा है, मुझे दोनों के डेटा के ऊपर लुकअप लगाना, वी लुकअप लगाना, बट एक्स लुकअप हो वी लुकअप हो कुछ भी हो, एक फॉर्मूला एक ही शीट से डेटा को कैरी करेगा, लुकअप करेगा। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया एन कॉमा 2,0, या फिर मैं एक मिनट दुआ लगाता हूँ, वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया और डेटा वर्ड में गए और पूरा कॉलन सेलेक्ट कर लिया और कॉमा 2,0,
तो ए आया एंड नहीं, क्योंकि वन नंबर शीट वन में है ही नहीं। तो मैं ये एक और वी लुकअप दूसरे सेल में लगा रहा हूँ, और यहाँ पे कॉमा डी टू में गया और हमने इसको लगाया एंड कॉमा टू कॉमा ये आ गया। बट ये तो दो अलग अलग सेल हो गई ना, मुझे इन दोनों फॉर्मूले को एक सेल में लगाना, तो इसके लिए लगाना पड़ेगा आपको इफ एरर का। जी हाँ, इफ एरर, इफ एरर, इस तरह फॉर्मूला, अगर पहला फॉर्मूला एरर दिया तो दूसरा फॉर्मूला शो करेगा। तो आप जो एक एक करके इस तरह से अलग अलग लगाएं और इस एरर में कॉपी पेस्ट करके करते कंबाइन, या फिर आप जो है इकट्ठा लगा ही दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक इस एरर में दो वी लुकअप लग सकते हैं, तो दो वी लुकअप लगा दिया। अगर तीसरा वी लुकअप है तो एक और इफ एरर, इफ एरर के पहले पार्ट में दूसरा ए इफ एरर हो जाएगा, इस बार तीसरा वी लुकअप हो जाएगा। ऐसे आप इस तरह लगाते जाएं और अपनी शीट्स को देते चला जाए। अब देखिए, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो दोनों शीट का डेटा है, दोनों शीट का डेटा को इसने कर लिया लुकअप, राइट सर। तो हमने अभी भी सीखा, हमने सीखा कि सबसे पहले वी लुकअप के सारे कंसेप्ट, उसके बाद हमने एच लुकअप के बारे में और एक्स लुकअप के बारे में सीखा, हमने मैच इंडेक्स, ऑप्शन मैच और एच लुकअप के बारे में सीखा, और इसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स जो है वी लुकअप से रिलेटेड जाने। देखिए, ये चीज समझ में तभी आएगा जब आप करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है।